खाने लायक गर्मा गर्म सभी गर्मा गर्म कपड़ा बनने रेडी हो गया बनके अभी खाने अभी हम लोग आए हरिओम जलेबी वाले के पास जो विले पार्ले में है, काफी मशहूर है और इनका दावा है कि यहाँ पे फाफड़ा जलेबी बहुत अच्छा बनता है और यहाँ पे जब भी आएंगे आपको गर्मा गर्म ही मिलता रहेगा। और इन्होंने इनके जो वर्कर्स है इन्होंने फॉरेन टूर भी किए और फॉरेन में जहाँ पार्टियाँ होती है उगांडा साउथ अफ्रीका इनके वर्कर्स ने वहाँ पे भी बनाए हैं फाफड़ा जलेबी। तो चलिए गाइस हम भी देखते हैं ये हमारे लिए फाफड़ा जलेबी गर्मा गर्म बनाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा इनका मेकिंग प्रोसेस कैसा है। तो आप दिन में कितना किलो कपड़ा बनाते हो? डेली का मेरा 10 किलो। अच्छा डेली का 10 किलो और सैटरडे संडे पे 30-40 किलो बिक जाता है कपड़ा डेली? सही है फिर तो। यहाँ पे लोग गुजराती है इसलिए ऐसा है या सब आते हैं। अब ऑनलाइन भी है ना जोमेटो स्विगी जोमेटो। अब इन्होंने पापड़े की क्या है गोली अभी देखिए क्या स्टाइल से खींचेंगे पतला और क्रिस्पी पापड़ा इसे मैंने ठीक है दादू को चलिए फिर तो टिकट और वीजा भेजा था भेजा के इधर स्टाइल में डालना पड़ता है ना आराम से। तो ये देखिए गाइस हमारा जो पापड़ा बन रहा है एक कढ़ाई में कितना बन जाता है कितना ग्राम तक 500 ग्राम तक आ जाता है आधा किलो एक कढ़ाई में बन जाता है। ऑयल कम है ना इसकी वजह से थोड़ा। अच्छा आपने इसमें ऑयल कम डाला है इसलिए थोड़ा बनना एक टाइम पे आधा किलो पापड़ा बन जाता है। तो ये करीब 1.5 किलो तो हो गई ना 300 ग्राम तक होगा करीब तो गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी बनेगा आपको देखना। और एक बार पलटी मार लेगा तो इन्होंने पलटी मार दिया स्लो आंच में पका लेगा हमारा फाफड़ा अभी रेडी हो गया खाने लायक गर्मा गर्म सभी गर्मा गर्म फाफड़ा रेडी हो गया बनके अभी खाने लायक। अब इस पे कुछ और भी करेंगे गार्निशिंग मसाला डालते हैं। अच्छा इसको जल्दी बनेगी एकदम स्टाइल में घी में डाला है इन्होंने तेजा दे दी एक टाइम पे कितना जलेबी बना देते इसमें वो निकालने के हिसाब से 1 किलो भी निकलता है। अच्छा एक पूरा फिर ऑयल फिल होता होगा ना 1 किलो में अभी तो आपने कम डाला है। हाँ। तो यहाँ पर मतलब यहाँ इस दुकान पे जब भी आऊँ हमेशा गर्मा गर्म पापड़ा और जलेबी मिलता रहेगा। हाँ जलेबी है गर्मा गर्म तो ये दुकान मतलब आप कभी भी आएंगे तो आपको हमेशा गर्मा गर्म पापड़ा जलेबी मिलते ही रहेगा। अभी देखो हमारी जलेबी इन्होंने बनाई बन गई डिजाइन में अभी इन्होंने तेल में डाला है इसको कितना टाइम लगेगा पकने में 2 से 3 मिनट में हमारी जलेबी रेडी हो जाएगी। ये जलेबी हमारी बनके तैयार होते हैं आपने वो इसमें डाला जलाव में ना हाँ। जलाव में क्या क्या इंग्रीडियंट होता है शक्कर का पानी और गुलाब जल रोज वाटर अभी जलेबी हमारी बनके तैयार हो गए जलेबी डन। इसमें गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी है मैंने थोड़े लिए क्वान्टिटी मैंने भाई पार्सल कराया है घर के लिए 1 kg फाफड़ा 1 kg जलेबी तो मैंने टेस्टिंग के लिए आप लोग के लिए लिया है। तो ये गर्मा गर्म फाफड़ा लिया क्रिस्पी एकदम गर्मा गर्म एकदम
नरम है, देखो एकदम नरम, टूटते ही मतलब टूट जाता है। आज संडे भी है, संडे के दिन फाफड़ा जलेबी तो बनता ही, जेठालाल वाली फीलिंग आ रही है। ये पपैया का चटनी है, इसको बहुत कम जगह मिलता है पपैया का चटनी, इनके फ्राइड मिर्च है। फाफड़ा इनका काफ़ी क्रिस्पी और नरम है, स्पेशली गुजराती जो खाते हैं इसको। अब समझ में आया कि उसमें मेहनत नहीं लगती है, चुपचाप ऐसे मुंह में डालो। अच्छा अब नमकीन तो खा लिया, अब अपन मीठा खाएंगे, कुछ मीठा हो जाए। जलेबी जलेबी भी इनकी काफ़ी टेस्टी और केसर वाला स्वाद एकदम मीठा है, मुझे तो पसंद है। यहाँ का पापड़ा और आपको भी खाना हो तो विजिट करना हरी जलेबी वाला स्पेशलिस्ट प्योर देसी हरिओम जलेबी वाला, विले पार्ले ईस्ट में लोकेटेड है, विले पार्ले खाओ गली में। आप भी आइए यहाँ पे, जब भी आएंगे संडे को सुबह सुबह आपको गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी बनता है। यहाँ 50 किलो का रोल बनता है, 50-30 किलो जैसा ऑर्डर भी लेते हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, एंड हाँ फॉलो भी करना इंस्टाग्राम। थैंक यू।